हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको क्लास टेंथ के भी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, तो आज हम देखने वाले हैं प्रोज के फर्स्ट लेसन द एन्चेंटेड फूल का क्वेश्चन आंसर। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आंसर को याद करने वाली चीज़ें रटने वाली चीज़ नहीं है, इसे हमें खुद से लिखना होता है। और फ्रेंड्स, आंसर लिखने के लिए हमें पूरे लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए और ट्रांसलेशन के रूल हमें पता होना चाहिए, टेंसेज आने चाहिए। और टेंसेज में सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वैसे तो सभी टेंसेज इम्पॉर्टेंट है, तो टेंसेज भी हमें आने चाहिए, तब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट हैड द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा गॉन इन सर्च ऑफ। जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ाई है कि इसमें महाभारत की एक कहानी है, पांचों पांडवों की कहानी है। तो इसमें पूछा गया है कि युधिष्ठिर के भाई किसकी तलाश में गए थे। तो फ्रेंड, जैसा कि हमें हिंदी में पता है इसका आंसर कि युधिष्ठिर के भाई पानी की तलाश में गए थे, इतना हमें पता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन में से हम सब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे, कौन गया था? युधिष्ठिर के भाई गए थे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? देखिए, सब्जेक्ट पता करने के लिए हमें केवल सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लेना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड है, इसके बाद जो आया हुआ है वही हमारा सब्जेक्ट है। कौन गया था? युधिष्ठिर के भाई गए थे, यानी कि द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसके बाद हमें देखना होगा जो इसका क्वेश्चन है वो किस टेंस में है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड यूज हुआ है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देना है। अगर यहाँ पे डिड का यूज हुआ होता तो यहाँ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे डू या डज आया होता है, अगर डू आया है तो हम यहाँ पे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। बट अगर यहाँ पे डज आया होगा तो यहाँ पे हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है आंसर में, जो हमारा मेन वर्ब है उसमें एस या एस ऐड कर देना है। और डू, डज और डिड के अलावा अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में आया है तो उस हेल्पिंग वर्ब को हमें सब्जेक्ट के बाद लिखना होगा। तो यहाँ पे हैड आया था, इसलिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज किया। अब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसमें वर्ब देखेंगे यहाँ पे क्या आए हुए हैं, गॉन। तो यहाँ पे सीधे हम लिखेंगे गॉन, द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा हैड गॉन का मतलब हो गया युधिष्ठिर के भाई गए थे। अब कहाँ गए थे? पानी की तलाश में, तो यानी कि हो जाएगा इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में की अंग्रेजी हो जाएगी इन सर्च ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा हैड गॉन इन सर्च ऑफ वाटर। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि आप 30 वर्ड्स में इसका आंसर दीजिए, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये गिन के नहीं लिखा जाता है, काउंट करके नहीं लिखते हैं कि इसमें 30 वर्ड है कि नहीं है। उसके कहने का मतलब होता है, और अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा गया होता है कि इन नॉट मोर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी कि 30 वर्ड से ज़्यादा ना हो, ये उसमें कहा गया होता है। बट जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है उसका आंसर कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो 20 वर्ड्स का ही हो जाए, चाहे वो 35 वर्ड का हो जाए, उससे नहीं मतलब है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज युधिष्ठिरा, यानी कि युधिष्ठिर कौन थे, वाई वॉज ही इन एंजाइटी, और वह चिंतित क्यों थे। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कि पहले में पूछा गया कि युधिष्ठिर कौन थे, और दूसरा इसी में है कि वे चिंतित क्यों थे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर भी हमें हिंदी में पता है, युधिष्ठिर कौन थे, युधिष्ठिर पांडु के सबसे बड़े बेटे थे, यानी कि युधिष्ठिरा वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ पांडु। और सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया कि वह चिंतित क्यों थे, उनके भाई बहुत समय से पानी लेकर वापस नहीं आए थे, इसलिए वे चिंतित थे। तो हिंदी में तो हमें आंसर पता होता है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसको हम ट्रांसलेट करके कैसे इसका आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर कौन थे, इसका आंसर हमें देना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है युधिष्ठिर, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे युधिष्ठिर,
युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर वॉज, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद युधिष्ठिर कौन थे, युधिष्ठिर पांडु के सबसे बड़े लड़के थे, ये हमें बताना है। तो द इल्डेस्ट सन, इल्डर का मतलब बड़ा होता है, सबसे बड़ा की यहाँ पे बात हुई, तो इल्डेस्ट का यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। द इल्डेस्ट सन ऑफ पांडु, इनके पिता का नाम था पांडु। और अगर और भी इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं द किंग ऑफ हस्तिनापुर। यहाँ पे फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके पांडु कौन थे, द किंग ऑफ हस्तिनापुर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हमारा पहला आंसर हो गया कि युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ पांडु द किंग ऑफ हस्तिनापुर, यानी कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा पांडु के सबसे बड़े लड़के थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि वाई वॉज इन एंग्जाइटी, वह चिंतित क्यों थे, तो यहाँ भी सब्जेक्ट है ही, तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है वॉज, ही वॉज इन एंग्जाइटी, वे चिंतित थे। आंसर की शुरुआत फ्रेंड्स हम इसके क्वेश्चन में से ही करते हैं, क्वेश्चन में इतना एनफ वर्ड रहते हैं जिससे हम आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। तो ही वॉज इन एंग्जाइटी, वे चिंतित थे। अब क्योंकि उसके भाई, क्योंकि उनके भाई बहुत समय से पानी लेकर नहीं लौटे थे, क्योंकि के लिए यहाँ पे हम बिकॉज का यूज कर सकते हैं, बिकॉज हिज ब्रदर्स, क्योंकि उनके भाई, बिकॉज हिज ब्रदर्स अब नहीं लौटे थे, हैड नॉट रिटर्न्ड, एक लंबे समय से नहीं लौटे थे, तो लिखेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर विद वॉटर यहाँ पे कर सकते हैं, पानी लेकर के लिए रिटर्न विद वॉटर, पानी लेकर नहीं लौटे थे, तो लेकर अगर कहीं पे आता है तो उसके लिए हम विद का यूज कर सकते हैं, पानी लेकर विद वॉटर, छाता लेकर विद अम्ब्रेला, इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि युधिष्ठिर चिंतित क्यों थे, तो इसके लिए हमने लिखा ही वॉज इन एंग्जाइटी, वे चिंतित थे, बिकॉज हिज ब्रदर्स हैड नॉट रिटर्न विद वॉटर, क्योंकि उनके भाई पानी लेकर नहीं लौटे थे। अब इसमें हमें लिखना है कि एक लंबे समय से, के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें दो दो क्वेश्चन पूछे गए थे इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया ये आंसर। युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ पांडु द किंग ऑफ हस्तिनापुर, ही वॉज इन एंग्जाइटी बिकॉज हिज ब्रदर्स हैड नॉट रिटर्न विद वॉटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड युधिष्ठिर डू व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग डेड, व्हाट डिड युधिष्ठिर डू, युधिष्ठिर ने क्या किया, व्हेन ही सॉ, जब उन्होंने देखा हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, लाइंग डेड यानी कि मरे पड़े हुए, जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मृत पड़े हुए देखा तो उसने क्या किया। फ्रेंड्स अगर हम हिंदी में देखें तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मरे पड़े हुए देखा तो वे अपने दुख को रोक ना सके और वे जोर जोर से रोने लगे। तो जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मरा पड़ा हुआ देखा, पहले इतना हमें लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब युधिष्ठिर ने देखा सौ अपने भाइयों को, हिज ब्रदर्स मरे पड़े हुए यानी कि लाइंग डेड, व्हेन युधिष्ठिर सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग डेड, जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मरे पड़े हुए देखा, अब उन्होंने क्या किया, ये चीज हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, He lifted his voice and wept. तो उन्होंने आवाज उठाई यानी कि जोर से पुकारा अपने भाइयों को, and wept और रोने लगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, Who did the pole belong to?
यानी कि वो जो तालाब था वो किसका था, किससे संबंधित था। इसका आंसर भी बहुत ही छोटा सा होगा क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ही शॉर्ट है कि हु डिड द पूल बिलोंग टू, वह तालाब किसका था। तो हमें केवल इतना ही बताना है कि वह तालाब यक्ष का था। अब बताइए जब ये छोटा सा ही आंसर इसका है और 30 वर्ड्स में हमें लिखना है तो हम कैसे इसको बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, यानी कि जितना पूछा गया बस हमें उतना ही बताना है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि वह पूल वह तालाब यक्ष का था। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, बात किसकी हो रही है, पूल की बात हो रही है, तालाब की बात हो रही है, तो इसमें सब्जेक्ट है द पूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि द पूल, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लिखा द पूल। अब इसके बाद देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ, क्वेश्चन में डिड का यूज हुआ है। और हमने आपको पहले ही बताया कि अगर क्वेश्चन में डिड का यूज हुआ है तो आंसर में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, बल्कि हमारा जो मेन वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म हमें लिखना होगा सब्जेक्ट के बाद। तो मेन वर्ब है बिलोंग, अब यहाँ पे बिलोंग का सेकेंड फॉर्म लिख देंगे बिलोंग्ड, और बिलोंग के साथ प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं, यहाँ पे टू का यूज करेंगे। अब किसका था, वो यक्ष का था, तो सीधे यहाँ पे हमें लिखना है द यक्ष। अब ये हमारा आंसर हो गया कि द पूल बिलोंग्ड टू द यक्ष, इस प्रकार से हम लिखेंगे आंसर इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द यक्ष रिवॉर्ड युधिष्ठिर, यानी कि यक्ष ने युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कृत किया। अब इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी मृत भाइयों को पुनर्जीवित करके उन्हें पुरस्कृत किया। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हमें लिखना होगा, किसने पुरस्कृत किया, यक्ष ने। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है द यक्ष, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे द यक्ष। अब इसके बाद हमें यहाँ पे देखना होगा हेल्पिंग वर्ब क्या आया हुआ है, डिड। और जब हेल्पिंग वर्ब डिड है तो हमें आंसर में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, अभी सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब इसमें है रिवॉर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा रिवॉर्डेड, द यक्ष रिवॉर्डेड, यक्ष ने पुरस्कृत किया। अब किसे, युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर, द यक्ष रिवॉर्डेड युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर को पुरस्कृत किया। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन करना है कि क्या करके, कैसे पुरस्कृत किया, ये बताने के लिए जब क्या करके लगा के क्वेश्चन करने पे जो आंसर हमें मिलता है उसको हम बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के लिखते हैं। तो पुनर्जीवित करके, क्या करके, पुनर्जीवित करके। तो पुनर्जीवित करके कि अंग्रेजी हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें बाय का यूज करना होगा और फिर पुनर्जीवित करना की जो अंग्रेजी है उसकी आईएनजी फॉर्म में लिखनी होगी। तो रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित करना और इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा बाय रिवाइविंग, By reviving, पुनर्जीवित करके। अब किसे, उनके मृत भाइयों को, तो यहाँ पे लिख देंगे all his dead brothers, उनके सभी मृत भाइयों को पुनर्जीवित करके। अब ये आंसर हमारा हो गया कि the यक्ष rewarded Yudhishthira by reviving all his dead brothers, यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी मरे हुए भाइयों को पुनर्जीवित करके उन्हें पुरस्कृत किया। तो फ्रेंड्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हैड द यमा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यानी कि यमराज ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया था। और फ्रेंड्स ये तो हमें पता ही है कि यमराज ने यक्ष का रूप धारण किया था युधिष्ठिर से मिलने के लिए और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। बस यही चीज हमें यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिख देना है, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना होगा कि यमराज ने यक्ष का रूप धारण किया, पहले इतना हमें लिखना है। सब्जेक्ट है द यमा, किसने धारण किया, यमराज ने। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे द यमा। अब देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड आया हुआ है और हैड है तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब हैड लिख देंगे द यमा हैड। अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया गया है टेकन, द यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यानी कि यमराज ने यक्ष का रूप धारण किया था, इतना हमें सबसे पहले लिख देना है। द यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन में से इतना लिखा गया, द यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, इतना क्वेश्चन में से लिखा गया।
अब इसके बाद हमें रीजन बताना है कि युधिष्ठिर से मिलने के लिए और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। तो यहाँ पे हम इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं, टू सी युधिष्ठिरा, टू सी, या फिर टू मीट यहाँ पे लिख सकते हैं, टू सी युधिष्ठिरा एंड, और उनकी परीक्षा लेने के लिए, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, यहाँ पे लिख सकते हैं उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया कि द यमा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यमराज ने यक्ष का रूप धारण किया था, टू सी युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर से मिलने के लिए, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ मैन गेन, यानी कि एक व्यक्ति क्या प्राप्त करता है बाय बीइंग इन द कंपनी ऑफ द वाइज, यानी कि बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति में रहकर, बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति में रहकर एक व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, ये इसका क्वेश्चन है। और इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति में रहकर एक व्यक्ति बुद्धिमानी को प्राप्त करता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें अ मैन, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट अ मैन। अब इसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज आया हुआ है, तो जो हमारा मेन वर्ब है उसमें एस ई एस ऐड करना होगा, मेन वर्ब इसमें गेन है, तो हम गेन में यहाँ पे एस ऐड कर देंगे। अ मैन गेन्स, एक व्यक्ति प्राप्त करता है क्या, विजडम, बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति में रहकर व्यक्ति विजडम को प्राप्त करता है, बुद्धिमानी को प्राप्त करता है। तो अ मैन गेन्स विजडम, ये हमारा आंसर हो गया कि एक व्यक्ति बुद्धिमानी को प्राप्त करता है। अब सीधे केवल यहाँ पे बाय से लेकर पूरा नोट कर लेना है, बाय बीइंग इन द कंपनी ऑफ द वाइज, बाय बीइंग इन द कंपनी, बाय बीइंग इन द कंपनी ऑफ द वाइज, ये हमारा आंसर हो गया। अ मैन गेन्स विजडम बाय बीइंग इन द कंपनी ऑफ द वाइज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ वी आर प्राउड, यानी कि यदि हम घमंडी होंगे, घमंड करेंगे तो क्या होगा। और जैसा कि लेसन में बताया गया है कि यदि हम घमंड करेंगे तो हमसे कोई भी प्रेम नहीं करेगा, और यदि हम घमंड छोड़ देते हैं तो हम सभी के लिए प्रिय हो जाते हैं। तो सेम यही चीज हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, तो सीधे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो बडी विल लव अस, Nobody will love us, कोई भी हमें प्रेम नहीं करेगा यदि हम घमंड करेंगे, if we are proud। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट में कि Nobody will love us if we are proud। तो फ्रेंड्स, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज धर्म डू टू अस, यानी कि धर्म हमारे लिए क्या करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि लेसन में बताया गया है कि युधिष्ठिर ने कहा था कि ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन, यानी कि हे यक्ष, धर्म ही एक व्यक्ति की ढाल होती है। तो यहीं से इसका आंसर हमें लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके आंसर की शुरुआत हम यहाँ पे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा से, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा, यानी कि युधिष्ठिर के अनुसार, ये चीज यहाँ पे हम लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं कि धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन, यानी कि युधिष्ठिर के अनुसार धर्म एक व्यक्ति की ढाल होती है, और ढाल क्या काम करता है, सुरक्षा करने का, अर्थात धर्म हमारी सुरक्षा करती है। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज द यक्ष मोस्ट, यानी कि युधिष्ठिर के किस गुण ने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्न किया। और जैसा कि फ्रेंड्स लेसन में बताया गया है कि युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्न किया था, तो वही चीज यहाँ पर हमें लिखना है। तो किसने प्रसन्न किया, युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने, तो इसका हम आंसर यहां से लिख सकते हैं कि द इम्पार्शलिटी
impartiality of Yudhishthira, the impartiality of Yudhishthira. ये इतना हमारा हो गया सब्जेक्ट, द इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिरा यानी युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने. अब यहाँ पे हमें देखना होगा वर्ब क्या है. वर्ब इसमें है प्लीज्ड, तो सीधे यहाँ पे वर्ब लिखेंगे प्लीज्ड. अब किसे खुश किया, यक्ष को, तो यहाँ पे लिखेंगे द यक्ष, द यक्ष. अब सबसे लास्ट में यहाँ पे मोस्ट लिख देंगे यानी कि सबसे अधिक. अब ये हमारा आंसर हो गया कि द इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज द यक्ष मोस्ट. तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख सकते हैं अगर हमें उस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन के कुछ रूल्स पता रहें, टेंसेस पता रहें, तो बहुत ही आसानी से हम आंसर लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का. इसे रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.